मैं ठीक होंगे आप लोग, जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था सिंथेटिक मटेरियल्स का चैप्टर। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको सिंथेटिक मटेरियल्स के बारे में एक्सप्लेन किया था कि ये मैनमेड मटेरियल्स कहलाते हैं, और इसके बाद ये जिन मटेरियल से बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इनको हम पॉलीमर्स कहते हैं, यानी कि एक लॉन्ग चेन होती है जो कि मुख्तलिफ मोनोमर्स यानी कि इनके सब यूनिट से मिलकर बनती है। इसके बाद इसके मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताई थी कुछ, जैसे कि रेयॉन के बारे में एक्सप्लेन हुआ था, उसकी यूजेस प्रॉपर्टीज, और इसी तरह नायलॉन के बारे में एक्सप्लेन किया था, उसकी प्रॉपर्टीज को बताया गया था और इसके यूजेस को। आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है टॉपिक आपका पॉलिएस्टर। तो एवरीवन ओपन द बुक पेज नंबर 31। पॉलिएस्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये पॉलिएस्टर किस तरह बनता है? ये रिपीटिंग यूनिट ऑफ द केमिकल कॉल्ड एन ईस्टर, ठीक है, इससे मिलकर बना होता है। और ईस्टर क्या है? एक तरह से ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस है, और केमिकल कंपाउंड जो कि इसको बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, पॉलिएस्टर को बनाने के लिए, पॉलिएस्टर फाइबर्स को बनाने के लिए जो केमिकल कंपाउंड यूज हो रहे होते हैं वो बने हुए होते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बने होते हैं जिसको हम पेट्रोकेमिकल्स भी कहते हैं। पॉलिएस्टर जो है मोस्ट कॉमनली रिफर्स टू पॉलीइथाइलीन टेरिफ्थिलेट, ठीक है, इसको ये भी कहा जाता है पॉलीइथाइलीन पॉलिस्टर, यानी कि पॉलिस्टर को हम पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थिलेट भी कहते हैं, और इसकी एब्रिविएशन जो होती है इसको हम पीईटी से भी शो करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसकी प्रॉपर्टीज को, कि जो पॉलिस्टर है इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, क्या कैरेक्टर्स होते हैं इसके। सबसे फर्स्ट तो ये है कि इसका पॉलिएस्टर की अगर प्रॉपर्टीज को देखें कि ये जो फाइबर होते हैं इसका, पॉलिएस्टर फाइबर आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं। इसके अलावा जो है इसकी अगर प्रॉपर्टीज को देखें तो ये कैसे होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक किसको कहते हैं कि यानी कि ये ड्राई जो होते हैं बहुत ज्यादा तेजी से हो जाते हैं, क्योंकि ये जो फाइबर्स होते हैं यानी कि जो मटेरियल बने हुए होते हैं ये क्लोथ वगैरह जैसे हैं, वो क्या करते हैं कि वाटर को जो है एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ठीक है, और इसीलिए जो है अगर इनको जो है बहुत ज्यादा जल्दी जो है वो ड्राई भी हो जाते हैं, क्योंकि इनमें वाटर को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी नहीं होती है। और इसके अलावा इसको यूं भी कह सकते हैं कि ये ज्यादा आसानी से क्या हो जाते हैं, वॉश हो जाते हैं और ड्राई भी हो जाते हैं। ठीक है, वॉश हो जाते हैं और ड्राई भी हो जाते हैं। इसके अलावा अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो ये जो है ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है, मजबूत है तो लग बात है ड्यूरेबल है, पायदार होते हैं। और इसके अलावा जो है ये रेजिस्टेंस टू केमिकल,
यानी कि अगर कोई केमिकल वगैरह इस पे अप्लाई हो भी रहा होता है तो इनकी जो अपनी प्रॉपर्टी है यानी कि पॉलिएस्टर की जो एबिलिटी है वो मटेरियल्स की, ये मेंटेन रहती है ओरिजिनल की तरह ही। इसके अलावा जो है पॉलिएस्टर जो होते हैं डू नॉट श्रिंक, यानी कि जो पॉलिएस्टर होते हैं ये श्रिंक नहीं होते, यानी कि इनका फैब्रिक जो ऐसा बना हुआ होता है कि ये श्रिंक नहीं हो सकते। और इसके अलावा इनकी प्रॉपर्टीज देखें तो ये कैसे होते हैं, क्योंकि ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स किसको कहा जाता है, यानी कि आसानी से जो होते हैं रीमोल्ड हो सकते हैं, अगर यानी कि उनकी शेप चेंज हो सकती है अगर इनको हीट दी जाए, तो इसलिए इनको थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स भी कहा जाता है। और इसके अलावा इनकी एक एम जो है वो प्रॉपर्टी ये भी होती है कि ये जो फैब्रिक होते हैं ये ब्लेंड विद अदर फाइबर्स, यानी कि जो इनको मिक्स करा जा सकता है इन मटेरियल्स को, इनके फाइबर्स को दूसरे फाइबर्स के साथ, ठीक है, यानी कि ये ब्लेंड विद अदर फाइबर्स। अब ये इनके जो ब्लेंड हो सकते हैं अदर फाइबर्स के साथ तो कौन कौन से बनते हैं फाइबर्स, इसके बारे में बताऊंगी। यानी कि 7 जो मैं प्रॉपर्टी बता रही हूँ वो क्या है, ये जो पॉलिस्टर होते हैं ये ब्लेंडेड विद अदर फाइबर्स, ठीक है, ब्लेंड हो सकते हैं अदर फाइबर्स के साथ, यानी कि मिक्स हो सकते हैं दूसरे फाइबर्स के साथ। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक एग्जांपल है पॉलीकॉर्ड कहलाती है। और ये क्या होते हैं, ये किस चीज के मिक्सचर होते हैं, ये मिक्सचर होते हैं पॉलिस्टर, एक तो पॉलिस्टर ही होगा इसमें, और इसके साथ क्या होगा कॉटन, ठीक है, यानी कि पॉलिस्टर और कॉटन को मिला के मिक्स करके पॉली कॉर्ड जो है वो बनाए जाते हैं, फाइबर्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी एक सेकंड टाइप कहलाती है पॉली वूल, और ये किस चीज से मिक्सचर होते हैं, ये मिक्सचर होगा ऑफ पॉलिएस्टर एंड वूल, यानी कि वूल और पॉलिएस्टर को मिक्स करके पॉली वूल बनाया जाता है। इसके अलावा एक और भी जो टाइप है जो कि ब्लेंड करके बनाई जा रही है पॉलिएस्टर के साथ मिक्स करके, जिसको कहते हैं टेरिकोट, और ये मिक्सचर होता है मिक्सचर ऑफ टेरिलीन, ये भी पॉलिस्टर में यूज होता है टेरिलीन एंड कॉटन। यानी कि ये टेरिलीन और कॉटन को मिक्स करके टेरिकोट जो है फाइबर बनाए जाते हैं, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी बताई गई कि पॉलिस्टर को मिक्स किया जाता है डिफरेंट फाइबर्स के साथ और मुख्तलिफ क्वालिटी के जो है फाइबर्स बनाए जाते हैं। ये तमाम जो थी वो क्या थी, इसकी प्रॉपर्टीज को जो है वो एक्सप्लेन किया गया था। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इसकी यूजेस ऑफ पॉलिस्टर क्या है, ठीक है, यानी कि हम कहाँ यूज करते हैं पॉलिस्टर फाइबर्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ जगह पे इनको यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि होम फर्निशिंग में यूज होते हैं,
फिनिशिंग, जैसे कि मुख्तलिफ किस्म की बेड शीट बनाई जाती है, बेड स्प्रेड और कुशंस वगैरह जो हैं वो पॉलिएस्टर मटेरियल्स के बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो है डिफरेंट टाइप्स के यूज़ किया जाता है पॉलिएस्टर को, क्लॉथ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, मुख्तलिफ ड्रेसेस बनाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो है पॉलिएस्टर जो है वो इंडस्ट्रियल पॉलिएस्टर भी यूज़ किया जाता है, यानी कि इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। और ये जो पॉलिएस्टर इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, ये टाई रील इन्फोर्समेंट या रोप्स या फैब्रिक जो कि सेफ्टी बेल्ट वगैरह बनाने के लिए, कोट फैब्रिक बनाने के लिए या प्लास्टिक रीइंफोर्समेंट में यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा जो पॉलिएस्टर फाइबर्स हैं ये मुख्तलिफ चीज़ों की फ्लिंग में यूज़ किया जाता है, फ्लिंग में, यानी कि जैसे कि मुख्तलिफ किस्म के पिलोस हैं, ठीक है, उनका स्टफ है उसमें फ्लिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, कंफर्टर्स में यूज़ किया जाता है, कुशंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है, यानी कि पॉलिएस्टर को मुख्तलिफ फ्लिंग में यूज़ किया जाता है इसके फाइबर्स को। इसके बाद जो है कि पॉलिएस्टर जो है वो मुख्तलिफ इस्तेमाल हो रहा होता है, जैसे फिनिशिंग ऑफ हाई क्वालिटी वुड, ठीक है, इसको इस्तेमाल हम किसमें कर रहे होते हैं, यानी कि फिनिशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिनिशिंग के लिए यूज किया जाता है हाई क्वालिटी के वुड प्रोडक्ट्स, जैसे कि गिटार है, पियानो है, व्हीकल्स वगैरह हैं, इनमें जो है वो यूज़ किया जाते हैं पॉलिएस्टर मटेरियल्स को। क्लास अब होमवर्क देख लीजिएगा आप लोग, आप लोगों को मैं क्वेश्चन 6 तक करवा चुकी हूँ, आज क्वेश्चन नंबर 7 है। सबसे पहले आपने डिफाइन पॉलिएस्टर, आल्सो राइट प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। सबसे पहले पॉलिएस्टर को एक्सप्लेन करना है, इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है, पैराग्राफ हैं, ठीक है, 3 पैराग्राफ्स 4 पैराग्राफ्स में है, इसको आपने लिख लीजिएगा इस तरीके से, चाहे हर पैराग्राफ के बाद एक लाइन लीव करके न्यू जब स्टार्ट करें तो पैराग्राफ तो एक लाइन बीच में लीव कर दीजिएगा, ठीक है, इस तरह ये लिख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलिएस्टर हैं, 5 प्रॉपर्टीज़ यहाँ से लिखिएगा, अभी ये आगे भी हैं, इसको इसी तरीके से अच्छा लाइन लीव करके लिखिएगा, ठीक है, और इसके बाद इसे यहाँ से 6 7 यहाँ से लिखिएगा, और हर प्रॉपर्टी कंप्लीट होने के बाद लाइन लीव करके न्यू स्टार्ट कीजिएगा। टोटल ये 7 प्रॉपर्टीज़ आपने लिखनी है। इसके बाद आपने यूजेस ऑफ पॉलिएस्टर की हेडिंग डालनी है, ठीक है, ये जो अपने यहाँ से यूजेस ऑफ पॉलिएस्टर की हेडिंग डाल के आपने 3 जो है यहाँ से लिख लीजिएगा, इसकी भी अभी आगे हैं, और इसको भी इसी तरह लिखिएगा, हर सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद लाइन लीव करके दूसरी स्टार्ट करना है, ठीक है, सफाई से काम कीजिएगा आप लोग। ये 3 यहाँ से लिखने के बाद इसके बाद नंबर 4 जो है ये लिखेंगे आप, और 5, ठीक है, तो आपका यूजेस ऑफ पॉलिएस्टर का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आप देख लें, व्हाई पॉलिएस्टर इज सुटेबल फॉर मेकिंग ब्रेस मटेरियल्स, इसको आपने लिखना है, ठीक है, इसको आपने एक्सप्लेन कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन 9 देखिएगा, नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ पॉलिएस्टर एंड देयर यूजेस, सेंटर हेडिंग डाल के और फिर जो है ट्रायलिन को एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद आपने PET की हेडिंग इस तरीके से डालना है, नंबर 2, और इसको एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ तक आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि आज आपको मैंने कौन से क्वेश्चन दिए हैं, 7 8 एंड 9, ये आपका होमवर्क है, तीनों आपने करना है, सफाई से काम कीजिएगा, और जिस दिन दिया जा रहा है उसी दिन आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो, ठीक है, ये आपने अपने रजिस्टर में कर लेना है सारा काम कंप्लीट, इसके यानी के आपका कौन से 7 8 एंड 9, ठीक है, ये तमाम आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद भी आपका अभी चैप्टर रिमेनिंग है,
वो नेक्स्ट क्लास में आपका एक्सप्लेन होगा, यकीनन आप लोगों को समझ में आ गया होगा चैप्टर भी, और जो क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए गए हैं ये भी एक्सप्लेन कर दिए हैं मैंने, और आपको यकीनन समझ में आ गया होगा। अब इसको जर्नल में लिख लीजिएगा आप लोग, रजिस्टर जो आपके हैं उसमें आप लिख लिख लीजिएगा। आज तक के लिए आपका इतना ही काम है, रिमेनिंग चैप्टर विल बी एक्सप्लेन इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।